हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका खबरों की खबर में। और आज की खबर है बहुत बड़ी खबर, वो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हमारी गुरु बहन दिव्या बहन ने मुझे भेजी। बहुत बहुत साधुवाद है हमारे सभी गुरु भाई बहनों को जो बड़े जागरूक रहते हैं और नजर रखते हैं इसी सभी खबरों पर, जहाँ कहीं एक आशा की किरण नजर आती है। सब तड़प रहे, एक निर्दोष संत हमारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, आज कारागृह में मित्रों 10 वर्षों से। खबरें तो ऐसी कई आती है, लेकिन बापूजी के साथ ही ये अन्याय क्यों? अब आज की जो खबर है वो खबर से फिर एक बार ये सवाल खड़ा हो रहा है, फिर एक बार ये सवाल आपके भी मन में जरूर उठेगा ये खबर देखने के बाद कि आखिर फिर बापूजी के साथ ही, एक निर्दोष संत के साथ ही यह अन्याय क्यों? खबर देखिए स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, देर से एफआईआर शक पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों को किया आगाह। बिल्कुल ताजा खबर, ये कल ही मुझे भेजी 9 सितंबर को हमारी बहन ने, और ये नई दिल्ली 8 सितंबर को पब्लिश हुई है। देखिए नई दिल्ली से, अगर किसी मामले में देरी से मुकदमा दर्ज होता है तो अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह बढ़ता है। मित्रों बड़ा ध्यान से सुनिए, एक खबर भी आप स्क्रीन पे पढ़िए। ऐसे में फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा। ऐसे में अदालतों को सतर्क रहने की जरूरत है, यह चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में अदालतों को सावधान रहना चाहिए और सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में दर्ज एक मामले में हत्या के अपराध के लिए दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के मामले में उन दो लोगों को बरी कर दिया जिनकी सजा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। मित्रों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था जिनकी सजा को, उन दो आरोपियों को निर्दोष बरी किया सुप्रीम कोर्ट ने। और कारण, देर से एफआईआर शक पैदा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों को किया आगाह। मित्रों पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, गुजरात केस में कितना बड़ा अन्यायपूर्ण फैसला उनके खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी ने उस फैसले का पूरा विश्लेषण किया है, वो वीडियो आप सबने देखा है। ऐसा ही इस केस में हुआ है। यहां पर अहमदाबाद की कोर्ट ने जजमेंट पास की है और ये केस है आसाराम बापू का। इसके अंदर, क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ी है तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एलिगेशन एक लड़की ने लगाया 2013 में, और उसने ये कहा कि 12 साल पहले 2001 में मेरे साथ में रेप हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, उसी तरह इस केस में जो लड़की है उसने कोई डेट नहीं बताई कि किस डेट पर मैं एलिगेशन लगा रही हूं। उसने कहा कि 2001 में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद से वो कहती है कि नहीं नहीं जन्माष्टमी का दिन था, उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो दोबारा स्टेटमेंट बदलती है और कहती है कि नहीं नहीं गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद फिर से स्टेटमेंट बदलती है और कहती है कि नहीं नहीं गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद हुआ। कितने दिन बाद हुआ वो क्लियर नहीं करती है, यानी डेट भी फिक्स नहीं है। आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए और डेट भी आपको ना पता हो तो आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? आप किस डेट पर कहेंगे कि मैं उस समय वहां पर था या नहीं था, या कैसे अपने आप अपना डिफेंस भी करेंगे जब आपको डेट ही नहीं पता है? यहां पर इंसिडेंट की डेट ही फिक्स नहीं है, सिर्फ एक रैंडमली कहा गया है कि 2001 में गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। और 2013 में जाके ये कंप्लेंट दर्ज हुई और अभी एक महीना पहले अहमदाबाद की कोर्ट ने इस केस में जजमेंट पास की और कहा कि
कि इतने लंबे डीले के बाद जब डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स हुए और डिफेंस के वकील ने ये कहा कि इतने लंबे डीले को आप जस्टिफाइड नहीं मान सकते हैं क्योंकि कंप्लेनेंट ने कोई रीजन नहीं दिया है रीजनेबल कि इतने लंबे डीले तक, इतने समय तक वो चुप क्यों रही, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसमें डीले को माफ करते हैं। अहमदाबाद की कोर्ट ने 12 साल के डीले को माफ कर दिया। तो मेरा यहां पर यह कहना है कि क्या ये जजमेंट लीगल है, क्या ये जजमेंट आने वाले समय में सबके लिए एक मिसयूज करने का कारण नहीं बनेगी। यहां पर आसाराम बापू के साथ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन इस जजमेंट का आने वाले दिनों में कितना मिसयूज होगा अगर ये जजमेंट हाई कोर्ट में जाकर अपहेल्ड हुई तो। इसीलिए ये हाई कोर्ट में ये जजमेंट सेट असाइड होनी चाहिए और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फाइंडिंग देनी चाहिए कि क्या इस तरह की कंप्लेंट्स में जहां पर कोई 12 साल बाद आकर कह देता है कि मेरे साथ रेप हुआ और वो डेट भी फिक्स कोई नहीं बताता है, कोई रीजन जस्टिफाइड नहीं बताता है, क्योंकि इस केस के फैक्ट्स के अनुसार, क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ी है तो मैं आपको जजमेंट में से बता रही हूं कि इसमें जो कंप्लेनेंट है उसने कोई ऐसा रीजन नहीं दिया है कि वो 12 साल तक चुप क्यों रही। एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई, ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी, जिन्होंने इसमें अच्छे से विश्लेषण करके बताया, 12 साल के बाद आरोप लगाया जा रहा है बापूजी पर, 12 साल के बाद कि 2001 में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट को बापूजी के खिलाफ जो भी फैसला आया गुजरात केस में, सुप्रीम कोर्ट में उसमें संज्ञान में लेकर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, सकारात्मक निर्णय देना चाहिए, फैसला देना चाहिए, क्योंकि बापूजी आज करोड़ों लोगों के श्रद्धे, इतना बड़ा व्यक्तित्व। और कृति जी ने कहा इस वीडियो में कि बापूजी क्योंकि बड़े व्यक्तित्व है इसीलिए उनके खिलाफ ऐसा फैसला आया, भले देरी से FIR दर्ज हुई, इतने सालों के बाद शिकायत की गई, लेकिन बापूजी का, चलिए वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर पूरा सुनिए। और ये जो खबर मित्रों, ये सवाल खड़ा कर रही है, ये सवाल हम सबके मन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवाहों के बयान में कई खामियां हैं और FIR में देरी हुई थी। देखिए, FIR में देरी हुई थी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब FIR में देरी होती है तो अदालत को सावधान रहना चाहिए और सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी ने घटना को नहीं देखा है तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि बिलासपुर जिले में 25 अगस्त 1989 को संबंधित व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जबकि प्रकरण में प्राथमिकी अगले दिन दर्ज की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि सबूतों की जांच अच्छे से होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए जब FIR में देरी हुई है तो, और देरी से FIR शक पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट का द्रो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू 10 वर्षों से कारावास में, 2018 में जोधपुर केस और 2023 में 30 जनवरी को गुजरात केस में फैसला बापूजी के खिलाफ सुनाया गया, दिया गया, जबकि गुजरात केस में 12 साल के बाद अहमदाबाद का मामला बताकर, अहमदाबाद की घटना बताकर सूरत में 0 FIR दर्ज की गई। कितना बड़ा अन्याय, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइए और इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बापूजी के खिलाफ भी जब 12 साल के बाद FIR हुई है तो क्या बापूजी को उस केस में राहत नहीं मिलनी चाहिए? गुजरात केस में सेशन कोर्ट का फैसला आया है, मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान अब लेना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो हाईकोर्ट में चल रहा है तो हाईकोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को, देखिए क्या लिखा है खबर में कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को किया आगाह, तो गुजरात हाई कोर्ट जहां ये केस अभी चल रहा है उनसे मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के जरिए कि आप सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को, यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इसका
पालन कीजिए और बापूजी की केस में इस पर पूर्ण विचार कीजिए और फिर फैसला लीजिए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है एक निर्दोष संत के साथ। हरिओम, जय गुरुदेव।